अरे छूट जाओ, हमने जाना भी है शादी पे। कमरा देख लो मेरा कितना फैला हुआ, कल हमने यहाँ पे मेकअप किया था, ये मेरा ड्रेस पड़ा हुआ, और बाहर का भी हाल ले लें, जूता बता। आज कल हेल्पर नहीं आई है, इतना मेस बना हुआ, इतना मेस कि आप लोगों की सोच है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, आज बारात है, कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी, मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं था। और फिर आपको पता है बच्चे चारों मैंने अकेले देखने होते हैं वहाँ पे, तस्वीर इतना तंग नहीं करती है। अरमिश और बलाज और अबहार बहुत तंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं यार। खाने उनको खिलाने, अबहार ने तो कपड़े भी इतने गंदे कर लेते हैं, अबहार तो बहुत रो भी रहा था। अबहार ने ना ढोल के भी मुझे ऐसे तंग किया था, क्लिप भी नहीं ले सकी कि मेरे ड्रेस कैसा है, मेरे सैंडल कैसी है, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। बस थोड़ा बहुत कोई मैंने ऐसे हाथ पे पकड़ के बनाया होगा, क्लिप तो बनाया होगा। आई विश कि आज मुझे तंग ना करें। रात को मेकअप रिमूव करके नहीं सोई, पूरा मुंह सूज गया, ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई है। रात को देर से आए हैं, 3 बजे घर, सुबह फिर अब जल्दी उठ गए। फेस वॉश यूज़ करी डर्मा टच का, इतना सा अमाउंट आपने लेना और गीले फेस पर लगाना, देखना स्किन नॉर्मल हो जाएगी मेरी फ़ौरन से। अच्छे से फेस वॉश करेंगे, मुझे ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगता है, स्किन को ब्राइटन कर देता है 1 से 2 टोन। प्राइस काफ़ी कम है इसकी, 800 रुपये। फेशियल किट तो इनका अच्छा है डर्मा टच का, पर इनके जो सेपरेट प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हो ना तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और ये ऑप्शन सबसे अच्छा है कि जो लोग पूरा किट बाय नहीं कर सकते और एक दो प्रोडक्ट लेके चेक करना चाहते हैं, तो वो एक दो प्रोडक्ट लेकर यूज़ कर लेते हैं, उनको रिजल्ट समझ में आ जाता है। फेस वॉश किया, आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया होगा स्किन के अंदर। अब मैं लगाऊंगी टोनर, टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा टच का राइस कलर का कम्बर एक्सट्रैक्टेड टोनर। अच्छा, कॉटन पैड में भी लेके लगा सकते हो और इसे भी लगा सकते हो डायरेक्ट। ये बहुत ही मिल्की और प्यारा सा टोनर है और बड़ी प्यारी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, प्रेप भी हो जाएगी। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है, एकदम बहुत ज़्यादा, मेरे डॉक्टर से मेडिसिन भी चल रही है, सारे स्टोर के रिजल्ट हैं। सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और ना आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेकअप से पहले स्किन को लाजमी प्रेप किया करें। आई क्रीम सारे पूछ रहे थे लाइव में, मैंने ये आई क्रीम दिखाई थी, लश ऑर्गेनिक की आई क्रीम है ये, आई रोल ऑन लगा हुआ इसके नीचे ये इस जगह पे। अच्छा, आई थिंक विंसे की एक आई क्रीम आती है और विंसे इजरायली ब्रांड है, कोई लेना चाहता है उनकी मर्ज़ी, नहीं लेना चाहता तो भी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो आई क्रीम है ये उससे ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर जो इंग्रीडियंट्स यूज़ किए गए ना, तो डार्क सर्कल को ख़त्म करके आई के ऊपर जो पफीनेस होती है, मे भी इसे लगा रही हूँ, नज़र आ रहा है देखें कितनी ज़्यादा पफीनेस आई हुई है, तो उसको फ़ौरन से ख़त्म कर देता है ये, इस तरह का है ये देखें। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया ना, हाइड्रोलिसन आइलिस, ये बहुत अच्छा है आपकी आइज के लिए, जो इस जगह पर रिंकल्स आ रहे होते हैं, कोलेजन नहीं है, फॉर्मनेस नहीं है, स्वेलिंग है, पफीनेस है, डार्क सर्कल है, सारे इशू तो खत्म कर देती है। एक ले लो, मैं तो कहती हूँ 6 महीने भी कहीं नहीं जाती आपकी। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डर्मा टच की एक्सपायरी कितनी, तो उस पर मैंशन भी है कि इसका एक प्रोडक्ट आप 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं लगा रही हूँ वाइटामिन सी सीरम, क्योंकि दिन का इवेंट तो रात का है, पर हमने जल्दी जाना है क्योंकि सेहरा बंदी है, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों ने छुट्टी नहीं की है स्कूल की। ये देखें विटामिन सी सीरम, देखें कितना अच्छा अच्छा ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगती है। इसके अंदर एल एस्कॉर्पिक एसिड यूज़ किया गया है, जो कि ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं वो है। इसके देखने कितनी प्यारी प्रेप हो गई है। अब मैं ऑब्वियस बात है सीरम को लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, मॉइस्चराइजर भी लश ऑर्गेनिक का है, स्नेल म्यूसिन को यूज़ करता है ना अगर कोई, तो उनको ना समझ में आ जाएगा किस टाइप का मॉइस्चराइजर है ये। ये इनकी डीपली ब्राइटनिंग क्रीम है एंड मुझे ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। फॉर्म इतनी सी दे गई है, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस तरह से स्नेल म्यूसिन की फॉर्मुलेशन है सेम वैसी, और वो क्रीम आती है 5-8 हज़ार की समथिंग की, और ये इकोनॉमिकल भी है। और सबसे अच्छी बात है इन प्रोडक्ट्स पर ना मेरा कोड भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, Natasha10 कोड है। डर्मा टच पे भी कोड Natasha10 है और लश ऑर्गेनिक पे भी Natasha10 है। और अगर वेबसाइट जो है पोस्टल कोड मांगे तो 12345 लिख देना, पोस्टल कोड कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, 4-5 नंबर्स का। वो काफ़ी वेबसाइट्स के अंदर ना ये चीज़ होती है कि ऑर्डर नहीं प्लेस होता पोस्टल। अब ये देखो इसके रिजल्ट्स कितने पे आए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कपड़े चेंज करती हूँ, मेकअप कर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी जल्दी जल्दी रेडी होगी बारात बारात के लिए, और बच्चे ना मेरे ही वॉशरूम के बाथ टब में ना रहे, पूरे घर में कोई वॉशरूम नहीं मिलता। लेंस में लगा रही हूँ सन किस्ट बेला, QR कोड स्कैन कर लेना आप लोग यहाँ से, ये मैंने लिए हैं, ब्रांड का नाम है ब्लेस्ड ग्लेस्ड ब्यूटी से। ये देखो कलर्स का बहुत खूबसूरत सा है, अभी डायरेक्ट ही आइस पर लगाने लगी हूँ मैं, फिर उसके बाद प्राइमर वगैरह लगाऊंगी। मैंने ना ऑलरेडी फेस वॉश किया है डर्मा टच से, ड्राई टोनर और विटामिन सी भी लगा ली। क्या बोलना था आंटी को, छुट्टी क्यों मेरा? हम कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक, हैंगर भी नहीं किए। जाओ दांत ब्रश करो और कपड़े चेंज करो, मुंह हाथ धो। कितना खूबसूरत कलर, आंखें कितनी ब्राइट एकदम खुली खुली लग रही है ना, बैकग्राउंड देखो मेरा कितना फैला हुआ है। प्राइमर मैं लगा रही हूँ खाइस का पोरलेस ब्लर प्राइमर है, थोड़ा सा भी इनफ होता है, मैंने ज़्यादा ले लिया।
बाल देखने मेरे कितने फ्रेश लग रहे हैं। ये पोरलेस प्राइमर है, पोर्स और स्कार्स को बिल्कुल ब्लर कर देता है। प्राइमर मैंने लगाया है, इसका मैं ना सारे प्रोडक्ट्स के लिंक लगा दूंगी क्योंकि जल्दी जल्दी में रेडी होते हैं ना तो फिर वो चीज़ें इस तरह से बता नहीं सकती मैं आपको। फाउंडेशन में लगा रही हूँ रिदा जैन कॉस्मेटिक्स का नंबर इसका 6। मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका रीज़न ये है कि रात तक मुझे मेकअप चाहिए, रात का इवेंट है, सहरा बंदी है और बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इस तरीके से लगाती हूँ फाउंडेशन। ये देखें यूँ ऐसे फैलाया, ये देखो ये मेरी नजर आ रहा है, यहाँ से मैच करता हूँ फाउंडेशन। इसके ऊपर जब मैं वो लगाऊंगी ना ट्रांसलेशन पाउडर क्रायलॉन का TN9। आज मैंने मेकअप वालों का वेट नहीं किया था क्योंकि हमें जल्दी निकलना था आज और उन्होंने आना ही 3 बजे, उनसे फिर हेयर स्टाइल बनवा लूंगी मैं। अच्छा फाउंडेशन ना हमेशा ऐसे ही लगाया करें कि हल्की सी जो डैम्प स्किन होती है ना उस पर फाउंडेशन लगा के स्प्रेड कर लो, उसको छोड़ दो फिर इसको ब्लेंड करो। मैंने ग्लो क्वीन का स्पंज मंगवाया था और मैं इसी से ही जो है सही कर बिठाऊंगी फाउंडेशन, वरना पहले मैं हल्का हल्का सा इसको हाथों से बिठा के छोड़ूंगी थोड़ी देर ताकि ये ड्राई हो जाए और उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे, समझ आई। ये देख लें फाउंडेशन मेरी बैठ गई है। स्पंज मैंने लिया ये ग्लो क्वीन का और ये मैंने खुद ऑर्डर किया था लेशेज और स्पंज, 3000 रुपये की मेरी चीज़ें आई थी, वो मैं आपके लिंक लगा दूँगी, किसी ने लेना है तो ले सकते क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा वो चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। जब मैं खुद ना यूज़ कर रही हूँ चीज़ों में कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, अपने बच्चों पे भी यूज़ करके चीज़ दिखा रही होती है इसीलिए। और आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा सा जो पाउडर है ना ये थोड़ा सा डार्क कलर में ताकि जो बेस है ना वो मेरे कलर में आ जाए। ये है क्रायलॉन का ट्रांसलेशन पाउडर, इसका नंबर है TL9। फिल कर लो फिर जाकर मेकअप कराती हूँ आई लड़की से। सो आज ना मैंने बेस खुद बना ली है, आईब्रोज मैंने फिल कर ली है, ब्रो पोमेड यूज़ कर रही हूँ मैं, ब्यूटीफाई में आमना कब लड़का तैयार होता है। अच्छा इनकी जो हेयर स्टाइलिस्ट है ना शुमारला, ये अपने काम में बहुत प्रो है, मतलब जो हेयर स्टाइल में उसको दिखाते थे ना मुझे ये चाहिए वो मेरे ही बालों पे वो हेयर स्टाइल बना देती थी, मेरे बालों को बैक कॉम करके बगैर किसी स्टफिंग के, और वो खुलता भी नहीं था मेरा पूरा टाइम। नहीं फुल हेयर के जल्दी हो जाए दुल्हन लेकर आएंगे ना, कल चाची देख कर आए हो ना वो, उसको लेकर आना है ना आज अपने घर। चाची मुबारक है कि बारिश हो गई है, थोड़ा सा और नहीं करते है ना, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि हाइट आई है, आपको लग रहा है तो आए अबू के घर बेटा, क्या बैक कॉमिंग से बाल टूटते हैं? नहीं नहीं पीछे को ना नजर ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, पहले तो टाइट वाली होती थी ना, अब तो अब पहले तो यार हम वो लोगों लगा देते थे ना हेड स्टफ वगैरह, अब नहीं यूज़ करते वो करते। अच्छा मैंने दुल्हन को लगाया है ना तो मैं वही लगाती थी ज़्यादा। हाँ दुपट्टे फिर जाना होता है फिर तो करना होता है, लेकिन जब दुपट्टा नहीं होता तो फिर वो पता चल रहा होता है। सारे लोग कमेंट कर रहे हैं शादी के व्लॉग्स नहीं बनाए, बस यही वीडियोस है जो मैंने बनाई है। अच्छा मैं इन लोगों का पेज टेक कर दूंगी, आप लोगों ने जरूर इनसे रेडी होना, इतना अच्छा लग रहा है यार ऐसे ही चली जाओ, बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारी लग रही है, आई जस्ट लव माय हेयर, लगा लेती हूँ फिर देख लिया मैं कुछ और करने की जरूरत है कि नहीं है। अच्छा भाई आज ना सलून एट होम वालों आना था 4 बजे, इसलिए मैंने ना बेस वगैरह बना ली थी, अभी मैंने उनको बोला आप तस्वीर और इसको रेडी करो तब तक मैं लेशेज वगैरह लगाती हूँ क्योंकि हम लोगों ने निकलना था 4 बजे, फोटोग्राफर ने आना था शूट के लिए और सेहरा बंदी भी थी और मुझे था कि हम लोग टाइम पर पहुँच जाए, दिखाती हूँ लेशेज के सीधे। ओके जी ये देखिए मेरी आई लुक कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह, ये देखें अब सही नज़र आ रहा है, इधर देखो आगे रूज अब कितना अच्छा नज़र आ रहा है है ना, बहुत अच्छी है ये, इसे खुली खुली बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं। ये जो मेकअप वाली बच्ची है ना इसका नाम उरूज है और जो हेयर स्टाइलिस्ट शुमाइला वो कराची से है, दोनों का काम बहुत अच्छा है, जिस तरह का मेकअप इन दिनों में चल रहा है उस तरह का मेकअप करते हैं, अच्छा जो लुक आप दिखाओगे वो भी क्रिएट कर देंगे। मैं इसलिए इनका इंस्टाग्राम पेज जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देती हूँ ताकि जिसने भी होम एड सलून की सर्विस लेनी आप लोग जाके इनसे ले सकते हैं। ओके सो ये फाइनल लुक है, अब मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, ब्लश वगैरह करके सारा कुछ ये देखें जी, आईब्रो पे फिर अगेन ब्रश फेरोगी, हाँ वो फौरन निकल आता है इसको, नीचे वाली जगह थोड़ी हाईलाइट हो जाएगी।
इस सबसे तो करना इनर से कि मैं आपको ना पीछे से भी हेयर स्टाइल दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अब हम रेडी होकर बाहर जा रहे हैं, इतना प्यारा वेदर हुआ है शूट करने के लिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी। सो ये था जी मेरा ओवरऑल मेकअप लुक। ड्रेस देख लें, सेसी थ्रिफ्ट का था, मैंने कोई नेकलेस और बिंदिया वगैरह नहीं पहनी क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी काफ़ी हैवी था। इसके नीचे कैन लगा हुआ था, मैंने ड्रेस का कलर भी इसलिए लाइट रखा था कि मैं दुल्हन ना लगूँ और दुल्हन की लैम लाइट मैं ना लूँ, इस वजह से ऐसा दिखाया बंद ही नहीं हो रहा। बलाज आप जूते को अच्छा, ये वाले क्लिप जो है ना आपको इंस्टाग्राम रील्स पे नज़र आ जाएंगे और मैंने पेजेस वगैरह भी वहाँ टेक किए हुए हैं। ड्रेस आया था जी सेसी थ्रिफ्ट से और वकास का पता है मैंने अलकरम से लिया था ड्रेस। ओके, सो ये जो शूज़ है ना ये ब्लैक ब्लेजर के हैं, बहुत क्लासी हैं ये, और मैंने इसलिए मैच किए थे, इसका रेड रेड सा टच है और बहुत कम्फर्टेबल है। कल मेरे पेट बहुत दुख रहे थे, आज बिल्कुल भी नहीं दुख रहे। मेकअप, हेयर स्टाइल, इयर रिंग्स, ड्रेस, हर चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत परफेक्ट और सबने बहुत तारीफ की थी। बहुत ही प्यारा लग रहा है आपका ड्रेस भी और आप भी। ओके जी, अभी आपके भाई साहब आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और अब टाइप घर पहुंच के फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। हेलो जी, अभी हम लोग आए हैं मार्की में दूल्हा दुल्हन का शूट करवाने बारात का, और अभी मैं आपको मार्केट से बहुत खूबसूरत है बट मैं कह रही हूँ वकास और जो बच्चे आएंगे फिर मैं उनके साथ दिखाऊंगी आपको सब कैसे लगे। ए सी क्यों यहाँ पे जी सारे कजन इकट्ठे हुए थे। मार्की बहुत ही खूबसूरत थी, बारात की भी और वलीमे की भी, बहुत ही प्यारी लोकेशंस थी मार्की में। दूल्हा दुल्हन का भी इंडोर ही फोटो शूट करवाया था इसीलिए कि मार्की बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे, फानूस बहुत प्यारे लगे हुए थे, लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी और मेरे और वकास बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। देख लो वकास को भूख लग गई है कसम से, बहुत अच्छा तस्वीर यहाँ अच्छी आ रही है ना वकास, तस्वीर यहाँ बहुत अच्छी आ रही है, देख लो बेशक तस्वीर को। मैंने कहा फोटोज बना दो, किसी काम की नहीं है बच्ची हमारी। तस्वीर ने ये वाला लहंगा पहना था, तस्वीर खुद रेडी हुई थी और तस्वीर भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। तस्वीर फाउंडेशन नहीं लगाती, बस लाइनर लगाती है। खाना खुल गया है, चलो तस्वीर। अर्मिश रोज वीडियो में नहीं आती, सारे पूछते हैं अर्मिश से प्यार नहीं करती, अर्मिश को दिखाती ही नहीं हूँ। मैंने पहले कहा था कि मेरी वाली भी वापस ले जाओ, देखो काम इनके। मुझे उन्होंने कहा है कि आप खाना खा लो वरना आप खाना नहीं खाओगे, फिर आपका मूड अपसेट है क्यों? अच्छा भाई, सो खाना यहाँ पे जो निकाह हो रहा है, अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, फिर हम जी दुल्हन घर लेकर आ गए। हम सब और बच्चे और लड़कियां वगैरह फूल लेके खड़े हुए थे दुल्हन का वेलकम करने के लिए, फिर दुल्हन का हम लोगों ने वेलकम किया घर। और इतनी बारिश थी, इतनी मुश्किल से हम लोग घर पहुंचे, रोड पे पानी खड़ा हुआ था, भेड़िया के रास्ते बंद थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली घर पहुंच गए, अब कल मिलते हैं।